हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स पे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास हमने स्टॉप किया था सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी पढ़ाते हुए। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सरफेस टेंशन तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या था? सरफेस टेंशन तो सरफेस टेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का, जो कि या तो फिल्म बनाता है या फिर उसके जो आउटर पार्टिकल होते हैं जो दूसरे फ्लूइड से के कांटेक्ट में होते हैं उन्हें बांध के रखता है। ये पार्टिकल्स को कभी भी फ्लूइड पार्टिकल्स को बाहर नहीं जाने देता है, अपने से कोशिश करता है कि हमेशा इसको खींचते रहें, अंदर के पार्टिकल्स को हमेशा खींचते रहें। जैसे हमने बताया था कोहेशन और एडेशन के बारे में, तो बेसिकली ये कोहेसिव फोर्स के बारे में होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर एक फ्लूइड सरफेस को लेते हैं जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल को लेते हैं जिसके चारों तरफ कोहेसिव फोर्सेज लग रहे होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स इसके अगल बगल वाले सारे मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्सेज लगा रहे होते हैं और जिसके कारण ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। लेकिन अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल देखते हैं जो कि सरफेस पे होता है तो उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स और नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स तो जीरो लगता है, बट नेट वर्टिकल फोर्स कुछ लगता है जिसके कारण ये क्या करता है कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल को उसके बगल वाला मॉलिक्यूल खींच के रखता है कोहेसिव फोर्स के कारण। और उसके कारण ये मॉलिक्यूल जो बाहर भी जाना चाहता है वो जा नहीं पाता है और एक फिल्म टाइप का निर्माण होता है। तो फ्लूइड सरफेस पे एक फिल्म टाइप का निर्माण होता है जिसको कि हम लोग अगर उस फिल्म पे एक लाइन खींचते हैं, ऐसे एक लाइन खींचते हैं, अगर मान लीजिए कि ये कोई फ्लूइड का सरफेस है ऐसे, और इस पर इस सरफेस पर हम एक लाइन खींचते हैं तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा होता है उसी को हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। यानी सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा इज इक्वल टू हमने बताया था एक फोर्स फॉर यूनिट लेंथ, यानी इस ये जो लेंथ है इस पे जो भी फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन के बारे में। और हाँ, अगर फ्लूइड को हम का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन घटता है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हमें कपड़े धोने होते हैं तो क्या करते हैं कि हम गर्म पानी से धोते हैं। तो गर्म पानी से धोने पे क्या होता है कि जैसे अगर हम मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जींस बहुत गंदी हो गई तो उसको कभी कभी क्या करते हैं हम कि गर्म पानी से धोते हैं। गर्म पानी करने पर होता है कि उसका सरफेस टेंशन घट जाता है। सरफेस टेंशन घटने के कारण जो जींस के धागों के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें वाटर पार्टिकल्स अंदर जाते हैं और डस्ट को लेकर बाहर आते हैं। सेम केस होता है अगर हम फ्लूइड में सर्फेक्टेंट्स डालते हैं। सर्फेक्टेंट्स यानी जो भी हम सर्फ ऑफ यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो वो भी सेम काम करता है। क्या करता है कि फ्लूइड का सरफेस टेंशन घटाता है। जैसे कि वाटर का सरफेस टेंशन आपका होता है, वाटर का सरफेस टेंशन आपका होता है 0.0736 न्यूटन पर मीटर। ये वाटर एयर इंटरफेस पे होता है, जब मतलब कि वाटर को एयर के साथ खुला छोड़ा जाता है तो ये सरफेस टेंशन एक्ट करता है। लेकिन अगर उसमें हम कोई सर्फ मिला जाता है तो ये अप्रोक्स आ जाता है 0.035 के अप्रोक्स, ठीक है, इतना आ जाता है। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पे सरफेस टेंशन घट गया जिसके कारण वाटर सरफेस को छोड़ के और दूसरे मीडियम में इंटर करने लगे जिसके कारण कपड़े धोना आसान हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में नहीं देखा था कि अगर कोई लिक्विड ड्रॉपलेट हो, हम हमेशा ये बोलते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण ड्रॉपलेट स्फेरिकल होता है, ठीक है। स्फेरिकल इसलिए होता है क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण जो लिक्विड ड्रॉपलेट होता है वो हमेशा मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो
इसके कारण स्फेरिकल होता है। तो इस स्फेरिकल लिक्विड के अंदर अगर हम इसको दो हाफ में काटते हैं, ऐसे काट देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे अगर काट देते हैं तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, अगर कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह, और ऐसे दो हाफ में ये कट जाता है, ठीक है। तो अगर ये काटते हैं तो इस पर जो प्रेशर लग रहा होता है, ये प्रेशर क्या होता है कि अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी ड्रॉप है, वो ड्रॉप फूटना चाहता है, बट ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण वो फूट नहीं पाता है। तो डेफिनेटली उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को प्रेशर लगा रहे हैं ये जो कि फूटने के लिए, लेकिन वो फूट नहीं पाता है। तो उस केस में ये प्रेशर क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चूँकि ये इस पर जो सरफेस टेंशन लग रहा है ये इस लाइन पर लगेगा, ये जो लाइन है इसी पे सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा। ये इसको इधर खींचेगा, यहाँ वाले जो पार्टिकल है ये वाला पार्टिकल इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा। तो इस तरह से फोर्स लग रहे हैं, ये सरफेस टेंशन फोर्स है सिग्मा, और ये जो प्रेशर फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू हमने क्या देखा था, सिग्मा बाई एल होता है सरफेस टेंशन फोर्स, सॉरी सिग्मा इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालने जाएंगे तो सिग्मा इंटू लेंथ होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये लेंथ कितना है, यहाँ पे चूंकि एक वाटर ड्रॉपलेट है तो उसका जो भी सरफेस होगा तो ये सरफेस कितना होगा। तो ये सरफेस तो हम ऐसे राउंड जैसे अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं ऐसे ये घूमेंगे इसके चारों तरफ, तो ये सरफेस कितना होगा। तो अगर इसका डायमीटर डी हम मान लेते हैं, ठीक है, तो ये डायमीटर डी है तो इसका ये लेंथ होगा जो पाई इंटू डी होगा। तो यहाँ पे ये लेंथ वही होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है या ये सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अब ये प्रेशर फोर्स क्या होगा, तो प्रेशर फोर्स होता है फोर्स फॉर यूनिट एरिया। तो सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स फॉर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये जो प्रेशर लग रहा है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। अब ये एरिया कितना होगा भाई, तो अगर हम किसी भी सर्किल, अगर वाटर ड्रॉपलेट को या किसी भी गोले को काटेंगे तो यहाँ पे एक सर्किल बनता है, ठीक है, और ये सर्किल का एरिया क्या होगा, तो ये जो डी होगा ये इसका यहाँ से यहाँ तक जो डी था तो पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर होता है ये एरिया। किसी भी स्फीयर को काटेंगे तो बीच में जो सर्किल बनता है उसका एरिया पाई बाई फोर इंटू डी होता है डी स्क्वायर। तो ये एफ, इसको हम लोग एफ पी से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग एफ एस से डिनोट करते हैं, जिससे कि पता चलेगा हमें कि ये सरफेस टेंशन फोर्स है और ये प्रेशर फोर्स है। तो प्रेशर फोर्स इक्वल टू एफ पी इक्वल टू ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी इंटू ए होगा। तो पी इंटू एरिया कितना आया था हमारा, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एरिया आया था। अब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों फोर्स इक्वल होंगे, दैट इज एफ एस इक्वल टू एफ पी होगा फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसमें क्या हम इक्वेट करते हैं सिग्मा इंटू पाई डी को इक्वल करते हैं पी इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये डी और डी कैंसिल हो जाएंगे और ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये प्रेशर इक्वल टू निकालेंगे तो फोर सिग्मा बाई डी होगा। तो ये वाटर बबल के अंदर का प्रेशर इतना होता है, पी इक्वल टू फोर सिग्मा बाई डी, ये वाटर बबल के अंदर का प्रेशर, सॉरी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर का प्रेशर होता है। और जब हम वाटर बबल की बात करते हैं तो ये डबल हो जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि ये जब वाटर बबल की बात करते हैं तो वाटर बबल पे दो सरफेस होते हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, ऐसा होता है कुछ वाटर बबल। और ऐसे
कुछ वाटर बबल होता है, एक तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों का दोनों सरफेस होता है, तो इसलिए ये फोर्स डबल हो जाता है। तो इन केस ऑफ बबल क्या होगा, इन इन केस ऑफ बबल, ये ड्रॉपलेट के केस में था, बबल के केस में हो जाएगा 8 4 सिग्मा बाई डी था, तो यहाँ 8 सिग्मा बाई डी हो जाएगा बबल के केस में। अब अगर लिक्विड जेट के केस में देखेंगे तो ये 2 सिग्मा बाई डी होता है लिक्विड जेट के लिए। लिक्विड जेट क्या होता है, पानी का फोर्स जो वो नल से निकलता है उसको हम लोग लिक्विड जेट बोलते हैं, या किसी नोजल से निकलता है, जैसे कि हम लोग बगीचा में पानी पटाते वक्त या फिर अपनी गाड़ी धोते वक्त जो वाटर पाइप लाके और ऐसे फोर्स मारते हैं तो वो एक जेट निकलता है ऐसे। तो उस जेट का जो भी डायमीटर होगा ये डी, तो ये 2 सिग्मा बाई डी इसका अंदर का प्रेशर होगा। तो ये था सरफेस टेंशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कैपिलरिटी। कैपिलरिटी भी लास्ट क्लास में हमने बताया था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। कैपिलरिटी हाँ, तो कैपिलरिटी के केस में हम क्या देखते हैं कि जब भी हम कोई छोटे डायमीटर के ट्यूब को पानी के अंदर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, ऐसा कुछ इस तरह का शेप बनता है। ये छोटा डायमीटर ऐसे, अगर ये पानी है तो कुछ ऐसा शेप बनता है, ये थोड़ा सा पानी ट्यूब में पानी ऊपर की ओर नजर आता है। ये बेसिकली होता है इसलिए था क्योंकि एडहेसिव फोर्स जो ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होता था वो ये कोहेसिव फोर्स, जो आपस में वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कोहेसिव फोर्स था, और जो ग्लास मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स था। तो एडहेसिव फोर्स यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन थे कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स से। अब यही वाटर के जगह पे, यहाँ पे वाटर था, अगर वाटर के जगह पे हम मरकरी को इस तरह से एक जार में रखते हैं, मरकरी रखते हैं और इसमें अगर एक ग्लास ट्यूब डिप करते हैं तो अगर ये मरकरी का लेबल ये होगा तो ग्लास ट्यूब में मरकरी का लेबल ये होगा। इसमें क्या होता है कि मरकरी के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है, यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स वो ग्रेटर देन होता है एडहेसिव फोर्स के। तो बेसिकली कैपिलरिटी में होता ये है कि अब जैसे कोई भी ग्लास, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जब हम 4-5 लोगों का एक ग्रुप है और उसमें आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी बाहर का आएगा तो एक ग्रुप का हो सकता है कि एक बंदा उठ के उसके साथ चला जाए। तो यही चीज़ होता है यहाँ पे, कुछ मॉलिक्यूल उठ के और चले जाते हैं ग्लास के साथ। लेकिन मरकरी के केस में क्या होता है कि इन लोगों की आपस की बॉन्डिंग जो कोहेसिव फोर्स है वो इतनी स्ट्रांग है या इतने स्ट्रांग तरीके से खुद को मतलब खींचते हैं कि ये किसी बाहरी पर जो ये मॉलिक्यूल्स आते हैं उससे अट्रैक्ट नहीं होने देते हैं, मतलब एडहेसिव फोर्स हमेशा कम होता है। यही कंडीशन सेम चीज़ होता है कि थर्मामीटर में इसी मतलब प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि इसका ये मरकरी को यूज करते हैं, कारण ये होता है कि ये मरकरी जो होता है वो ग्लास को भिगोता नहीं है। तो एक वेटिंग कंडीशन और नॉन वेटिंग कंडीशन भी देख ही लेते हैं हम लोग, जो लास्ट क्लास में हम बताए थे। ये होता है वेटिंग कंडीशन और ये होता है नॉन वेटिंग कंडीशन। इसमें हम लोग क्या बोले थे कि कोहेसिव फोर्स कम होता है एडहेसिव फोर्स से, मतलब कि एडहेसिव फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री से कम होता है,
और इसमें क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और ये कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है एडहेसिव फोर्स से, एडहेसिव फोर्स से। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जैसा कि हम देख रहे थे ग्लास टिप, ग्लास पे हमने एक मरकरी की ड्रॉप गिराई, तो ये आपस में इस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स बंधे हुए कि कोई भी मॉलिक्यूल उठ के और इसमें चिपकना ही नहीं चाहता है ग्लास में। तो इस कारण यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जब स्ट्रांग थी और एडहेसिव फोर्स कम थी, तो यहाँ पे ये ड्रॉप भी बन गया और ये नो वेटिंग कंडीशन होता है, नो वेटिंग वेटिंग कंडीशन कंडीशन मतलब कि ये ग्लास को भिगोएगा नहीं। और इसमें क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं तो पानी के वाटर पार्टिकल का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है, तो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब कि एडहेसिव फोर्स यहाँ पे अगर स्ट्रांग है, तो ये क्या होगा कि ये जो ग्लास के पार्टिकल हैं ये वाटर पार्टिकल के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे और ये वाटर पार्टिकल ग्लास पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण ये जो वाटर पार्टिकल है एक एक करके ऐसे ग्लास पार्टिकल से सटते जाते हैं और यहाँ पे एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होने के कारण इस कंडीशन को हम लोग वेटिंग कंडीशन बोलते हैं, मतलब भिगोने वाला कंडीशन, वेटिंग कंडीशन। तो ये था हमारा वेटिंग कंडीशन और नॉन वेटिंग कंडीशन। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछे जाते हैं, आपको हो सकता है एग्जाम में ना पूछे सेमेस्टर एग्जाम में, बट ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी फॉल। तो बेसिकली इस कंडीशन, जो पहला कंडीशन हमने बोला था, इसको कैपिलरिटी राइज बोलते हैं, कैपिलरिटी राइज, और इसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरिटी फॉल और डिप्रेशन, कैपिलरिटी फॉल और कैपिलरिटी डिप्रेशन। डिप्रेशन तो ये दो कंडीशन है हमारे पास। तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन हम लोग को पढ़ना है कैपिलरिटी राइज के बारे में, वो हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्लास हमने शायद यहीं पे ख़त्म किया था, कैपिलरिटी राइज, ठीक है। तो कैपिलरिटी राइज के लिए ये थोड़ा सा फिगर और बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब मान लेते हैं, ये एक जार में रखा हुआ है, ठीक है, ये एक जार में रखा हुआ है, सॉरी, ये एक जार है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है मान लेते हैं, कोई भी लिक्विड, और इसके अंदर एक क्यूब हम लोग डालते हैं ट्यूब। तो क्या होगा कि वाटर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये जो राइज होगा, इस हाइट को हम लोग एच मानते हैं, ये जो राइज इन कैपिलरिटी राइज है उसका हाइट को हम लोग एच मानते हैं, ठीक है। और ये जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन फोर्स, ये जो फिल्म बनाता है उस पर सरफेस टेंशन फोर्स के कारण, तो ये सिग्मा लग रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे होगा, तो इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग ये थीटा एंगल के साथ ऐसे होता है, ये इस तरह का शेप बनाता है। राइज के केस में हमेशा अगर हम लोग जाके वहाँ पे बहुत माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो ये ऐसा शेप बनाता है। तो अगर इसका हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं तो ये सिग्मा कॉस थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और मान लेते हैं कि ये लिक्विड का स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू है, W मान लेते हैं लिक्विड स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड है, सॉरी W स्मॉल W बराबर स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड और ट्यूब का डायमीटर D मानते हैं, D इज इक्वल टू ट्यूब डाया और H मानते हैं हाइट ऑफ कैपिलरिटी राइज, हाइट ऑफ कैपिलरिटी राइज,
ठीक है, और एफ मानते हैं, एफ इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, और सरफेस टेंशन को एज यूजुअल हम लोग सिग्मा से डिनोट कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मानने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हम अगर ये इस पार्ट का जो वेट है, ये इतना पार्ट उठा हुआ है, अगर इसका वेट ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है जो कि एफ एस लगेगा ऐसे, और ये वेट नीचे की ओर लगेगा, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तभी तो ये राइज है। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होता, मतलब कि कोई भी इसमें से एक ज़्यादा होता, अगर मान लेते हैं कि ये ज़्यादा होता तो ये और ऊपर आता, अगर ये ज़्यादा होता, ये जो वेट है ये ज़्यादा होता, फट से नीचे गिर जाता, तो उस कंडीशन में राइज नहीं होता। तो सबसे पहले जो भी फोर्सेज लग रहा होता है, वर्टिकल फोर्सेज को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाते हैं, जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है उसका और नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि जो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, जो फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, दोनों फोर्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग को बेसिकली करना क्या है, एफ एस इजकल टू वो वेट ऑफ फ्लूइड करना है, वेट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड। तो पहले हम लोग वेट निकाल लेते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होता है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंडीशन हमको बेसिकली इस एक्सप्रेशन में करना यही है कि हमको फोर्स, वेट ऑफ फ्लूइड को फोर्स के इक्वेट करना है। तो वेट ऑफ फ्लूइड निकालेंगे, तो वेट ऑफ फ्लूइड के लिए हम लोग क्या, अगर फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट W है तो W इज इक्वल टू क्या लिखते थे, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये हम लोग W स्पेसिफिक वेट इजकल टू निकालते थे, स्पेसिफिक वेट W इजकल टू ये फॉर्मूला होता था हमारा। तो वेट ऑफ फ्लूइड कितना, वेट ऑफ फ्लूइड अगर यहाँ से हम निकालते हैं, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड अगर यहाँ से निकालते हैं तो स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट W, W इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। ये लास्ट क्लास में जब हम स्पेसिफिक वेट पढ़ा रहे थे तभी यहाँ पे हम बताए थे कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड बटा में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होता है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो वेट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो अब आगे स्पेसिफिक वेट कितना था, डब्ल्यू दे रखा है, और वॉल्यूम कितना होगा भाई, तो ये तो डी था। तो जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, कहीं भी वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई मतलब सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट करते हैं, जो भी अगर इसका एच हाइट है, एच हाइट है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो भी है तो ए इनटू एच करते हैं ना। अगर इसका, इस सिलेंडर का हाइट एच है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका मतलब कि ए इनटू एच हम लोग करते हैं तो ये वॉल्यूम निकलता है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, डायमीटर डी दे रखा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक वेट इक्वल टू आएगा वेट, तो ये आपका फ्लूइड का वेट आ गया। अब जब फ्लूइड का वेट मालूम होगा तो ये फोर्स कितना होगा, तो सिग्मा इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ हम जानते थे। ठीक है, तो ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ का भी तो वही कंडीशन है, ऐसे गोल होगा, ट्यूब है तो गोल होगा, तो ट्यूब मतलब कि पाई डी होगा। तो यहाँ पे अगर एफ इजकल टू निकालते हैं, एफ एस इजकल टू, तो सिग्मा इंटू ये एल, मतलब सिग्मा इंटू एल की जगह पे पाई डी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, और चूंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं हम लोग, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर की ओर एफ एस लग रहा है, तो एफ एस इजकल टू ये सिग्मा इंटू पाई डी एल इंटू कॉस थीटा था। ठीक है, सिग्मा इंटू सिग्मा कॉस थीटा था ये, तो सिग्मा की जगह पर सिग्मा कॉस थीटा करेंगे इंटू पाई डी करेंगे, सिग्मा इजकल टू ये तो सिग्मा का वैल्यू आ गया, सिग्मा इजकल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो सिग्मा पाई डी इंटू कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो
सिग्मा पाई डी इंटू कोस थीटा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सिग्मा पाई डी इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू आता है हमारा डब्लू इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू एच। बेसिकली हम लोग को ये हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एच इक्वल टू ये फोर इधर आएगा, तो फोर सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड इंटू डायमीटर। तो ये आपका हाइट ऑफ कैपिलरी राइज का इक्वेशन आ गया। तो ये आपका हो गया कैपिलरिटी, दिस वाज ऑल अबाउट कैपिलरिटी। तो हाइट हमने निकाल लिया कैपिलरी राइज का। अब आगे इसके प्रॉब्लम है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। एक टॉपिक और आपका इस चैप्टर में बचा हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर आपका है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर तो क्या होता है ना कि ये वेपर प्रेशर में जैसे कोई भी लिक्विड होता है, कोई भी एक लिक्विड है उसके जब इंटरनल एनर्जी थोड़ा भी इंक्रीज करता है तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि बाहर की ओर भागते हैं। जब भी किसी के पास एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो घूमना ज़्यादा चाहे, बाहर निकलना। आपके पास भी जिस दिन पैसा ज़्यादा रहता है उस दिन आप लोग घूमना ज़्यादा पसंद करते हो। तो सेम कहानी हर एक चीज़ में मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है कि जिसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो इस केस में क्या होता है कि अगर एक लिक्विड है और उसका इंटरनल एनर्जी किसी वे में बढ़ जाए या फिर जनरली लिक्विड के सरफेस पे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है, ठीक है। तो या तो ये प्रेशर किसी तरह घट जाए और या तो इसका अपना इंटरनल एनर्जी, खुद का इंटरनल एनर्जी किसी तरह बढ़ जाए। उन दोनों केस में क्या होगा कि ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल वो एस्केप करना स्टार्ट करेंगे। हर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल का टेंडेंसी होता है एस्केप करना, ठीक है। तो यहाँ भी ये एस्केप करना स्टार्ट करते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल इवेपराइज्ड होके निकलते रहते हैं, ठीक है। तो ये वेपराइज्ड होते रहते हैं। अगर हम एक कंटेनर में इसे रख के कुछ फिल करें और कुछ मतलब खाली छोड़ें और ऐसे इसको बंद कर दें तो क्या होगा कि जो भी वेपर से भरता जाएगा और वापस ये मॉलिक्यूल इस पर प्रेशर एग्जर्ट करना चालू करेंगे। तो इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता जाएगा और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से यहाँ से एस्केप करते जाएंगे और ये पूरा एक ऐसा टाइम आएगा कि अब इस कंटेनर में जगह नहीं है और वाटर मॉलिक्यूल्स आने की। इसका मतलब कि अब जो भी मॉलिक्यूल यहाँ से एस्केप करेंगे तो वापस यहाँ से कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये एक आता है सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं, ये जो टेम्परेचर गेन करता है वो एक सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्रेशर होता है उस कंडीशन में, जबकि जितने मॉलिक्यूल यहाँ से वाटर सरफेस छोड़ रहे हैं उतना ही मॉलिक्यूल वापस इसको रीज्वाइन कर रहा है, तो उसके केस को बोलते हैं सैचुरेशन वेपर प्रेशर। उस टाइम जो प्रेशर लगता है वो बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। जब भी एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ये दो केस में होता है, या तो हम यहाँ से हीट इंक्रीज करें या तो दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई कंटेनर है उसमें अगर हम कोई लिक्विड फिल करते हैं तो यहाँ का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर था उसको, यहाँ का जो एयर था उसको शक करें और इसको वैक्यूम क्रिएट करें। तो वैक्यूम में क्या होता है कि ये जो प्रेशर होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। तो उस केस में भी क्या होंगे कि लिक्विड मॉलिक्यूल एस्केप करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जैसे ही इसका सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा था उससे कम होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, ये
एस्केप करना स्टार्ट करता है। सेम चीज़ होता है, एक अगर टर्बाइन है तो टर्बाइन में क्या होता है कि ऐसे जो यहाँ से वाटर आते हैं बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आते हैं, इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है पहले ही, और यहाँ सडन एक्सपेंशन के कारण क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है जिसके कारण यहाँ लो प्रेशर जोन के कारण क्या होता है कि ये वाटर मोलिकुल निकलना स्टार्ट करते हैं और ये बबल बनाना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही लो प्रेशर जोन में जाते हैं वो बबल फूटना स्टार्ट करते हैं, फूट के बहुत आवाज़ करते हैं और कभी कभी क्या करते हैं कि टर्बाइन के ब्लेड्स को और केसिंग को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन है वेपर प्रेशर है कैविटेशन बोलते हैं इसको। जैसे कोई भी मेटल है उसमें एक छोटा छोटा उसके केसिंग में या ब्लेड में ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उसको कैविटेशन बोलते हैं। ये बेसिकली कोरोजन टाइप का होता है, जैसे कोई भी मतलब पार्ट कोरोड होता है तो उसी तरह से ये भी होता है, तो इसको कैविटेशन बोलते हैं। तो ये कैविटेशन वेपर प्रेशर के कारण एक मेन चीज़ है जो कैविटेशन होता है। खैर कैविटेशन के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस एक रफ आइडिया था कैविटेशन के बारे में। आगे आप लोग जाओगे तो हो सकता है जब कंपटीशन की तैयारी वगैरह करोगे या फिर आप में से जो भी लोग बीटेक में एडमिशन लेंगे तो कैविटेशन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे बाद आपको पढ़ना है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी एबिलिटी टू कंप्रेस मतलब फ्लूइड का एक ऐसा एबिलिटी जिससे कि वो कंप्रेस हो सके, तो उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। या इसको अगर डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे तो इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू चेंज इज फ्रैक्शनल वॉल्यूम अंडर द प्रेशर, अंडर द चेंज इन प्रेशर या इंक्रीज इन प्रेशर, ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी पढ़ने के पहले हम क्या करते हैं कि एक टर्म आता है बल्क मॉडुलस जिसको हम डिनोट करते हैं के से, बल्क मॉडुलस इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। बेसिकली बल्क मॉडुलस को हम लोग स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन, ये स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर को हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया या स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर को हम लोग चेंजिंग प्रेशर दैट इज डीपी, और ये माइनस डीवी बाई वी होता है। ये माइनस साइन इसलिए होता है क्योंकि जब भी प्रेशर इंक्रीज करता है तो क्या होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज करता है। जैसे एक सिलेंडर अरेंजमेंट हम लेते हैं, तो यहाँ कोई पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ से अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे पी, ये सिलेंडर इधर जाएगा तो अंदर का जो भी फ्लूइड होगा उसका वॉल्यूम पहले वी था, तो अब क्या होगा कि ये वी से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं ये डी वी कम होता है, तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम डी वी बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, तो स्ट्रेन इजकल टू क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इजकल टू स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक आप लोग पढ़े होंगे शायद इसके बारे में। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इजकल टू होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इसीलिए होता है, ये जो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने दिया था, ये नेगेटिव साइन इसलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है कि हमेशा प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये वॉल्यूम घटता जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन देखते हैं क्योंकि हमको बल्क मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए होता है। तो ये होता है हमारा बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब बल्क मॉडुलस
कंप्रेसिबिलिटी के बारे में ये भी बोलते हैं कि बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल होता है। कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं और बीटा इज इक्वल टू 1/k होता है, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 1/k होता है, दैट इज कि माइनस डी वी बाई बी डिवाइडेड बाई डी पी। इसको भी हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बोल सकते हैं। या एक हमारा थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस होता है, अगर हम आपको थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे पी इजकल टू पी वी बराबर कॉन्स्टेंट। पी वी बराबर कॉन्स्टेंट एक प्रोसेस होता है जिसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पी डी वी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पी डी वी प्लस डी वी पी होता है, पी डी वी प्लस वी डी पी होता है इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो होगा, पी डी वी डी वी इजकल टू माइनस वी डी पी हो जाता है, ठीक है। तो सॉरी सॉरी ये हो प्रेशर इजकल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम एक, ये शायद ये तो हम पढ़ा ही चुके हैं। डेंसिटी इजकल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी इजकल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं। तो रो इंटू वी इजकल टू एम होगा, अगर मास कॉन्स्टेंट है और डेंसिटी और वॉल्यूम को हम लोग ये डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रो डी वी डी वी इजकल प्लस वी डी रो इजकल टू जीरो होगा, ठीक है। तो रो डी वी इजकल टू माइनस वी डी रो होता है, या इसको इधर ले जाते हैं तो रो बाई डी रो इजकल टू माइनस वी बाई डी वी, या यहाँ पे डी वी बाई वी था ना तो हम लोग उल्टा करते हैं इसको, इसको इधर लाते हैं तो माइनस डी वी बाई वी इजकल टू डी रो बाई डी रो बाई रो होता है, रो इजकल टू डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इसको फर्दर बीटा इजकल टू डी रो बाई रो डी पी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/ρ इंटू डी रो बाई डी पी, यानी अगर ये टर्म रो बराबर कांस्टेंट हो गया, मान लेते हैं कि अगर उसका किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा कि ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर रो कांस्टेंट है तो जब भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रो कांस्टेंट है जब भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी रो इजकल टू जीरो होगा, ठीक है। तो अगर डी रो का वैल्यू जीरो होता है तो ये क्या होगा कि ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब कि अगर रो कांस्टेंट होता है तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो होगा, कंप्रेसिबिलिटी जीरो होता है। मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी जीरो होने का मतलब क्या होगा कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा तो कोई भी फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल कब होगा, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल कब होगा जब उसका डेंसिटी रो बराबर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है और इसके कारण लिक्विड हमेशा इनकम्प्रेसिबल माना जाता है। और गैस के केस में क्या होता है कि इसका डेंसिटी चेंज होता है, अगर प्रेशर चेंज होगा तो इसका डेंसिटी भी चेंज होगा। तो गैस के केस में रो वेरिएबल होता है
रो वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा उस केस में क्या होगा कि गैस को कंप्रेसिबल माना जाता है, गैस को कंप्रेसिबल माना जाता है। तो ये होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले क्लास से हम इस चैप्टर, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट यूनिट यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस चैप्टर के प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, जो कि शायद एक या दो क्लास में आपके सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग थ्योरी एक बार अच्छे से देख लीजिए, फार्मूले देख लीजिए, जो भी मैंने फार्मूले बताए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और प्रिपेयर रहिए प्रॉब्लम के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।